अब ये इमरान खान को नऊज़ बिल्ला, अब मैं इनको अल्लाह हदायत दे गद्दार साबित करना चाह रहे हैं आर्टिकल 6। माजी में इमरान खान सब फौज के बारे में क्या कहते रहे, फौज के खिलाफ होते ना सबसे पहले मेरे जैसे आदमी उनके खिलाफ निकलते, क्या कहते रहे वो आज सुने और शर्म करो ऐसी साजिशें करने वालों। हमारे फौजियों के ऊपर मुसलसल हमले हो रहे हैं, हर रोज हमारे फौजी अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, और ये क्यों अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं? हमारे लिए, मुल्क के लिए। आज अगर पाकिस्तान की फौज माशाल्लाह एक दुनिया में मुसलमान दुनिया की सबसे ताकत तरीन फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो चुके होते। पाकिस्तान को अल्लाह ने बचाया हुआ है, क्यों? क्योंकि माशाल्लाह एक मुल्क की ऐसी फौज है जो अपने मुल्क की दफा कर सकती है। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी फौज जब पिछला आर्मी चीफ थे रहील शरीफ, हर फोरम पे वो कहता था कि दहशत गर्दों का सरदार है, और नवाज शरीफ को कहता था ये तो बड़ा अच्छा हमारा दोस्त है। आप सोचे कि मुझे कोई बाहर का लीडर कहे कि आर्मी चीफ आपका दहशत गर्द है और इमरान खान बहुत अच्छा, मैं अपनी तोहीन दूंगा। मेरे पाकिस्तानियों एक चीज याद रखना, आज इस मुल्क को दो ऐसी फोर्सेज हैं जो इसको इकट्ठा रख रही है, एक है पाकिस्तान की फौज, क्योंकि पाकिस्तान की फौज हमें फख्र है, एक मजबूत फौज है, प्रोफेशनल आर्मी, वो एक मुल्क को इकट्ठा रख रही है, क्योंकि जिस तरह के हमारे दुश्मन हैं वो पूरी कोशिश कर रहे, उन्होंने करते रहे हैं कि मुल्क 3 हिस्सों में हो जाए, टूट जाए। तो एक मजबूत फौज इस मुल्क के लिए बहुत जरूरत है, हमें इस फौज की बहुत जरूरत है, इन्हें बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए, कुर्बानियां हर रोज दे रहे हैं। मैं सबसे चाहता हूं किसी किस्म की तनकीद अपनी फौज की ना करें, जो फौज का इदारा है कभी इसके खिलाफ बात ना करें। अगर हमारी फौज ना होती तो ये मुल्क में नहीं रहना था। इमरान खान से ज्यादा इस मुल्क को जरूरत पाकिस्तानी फौज की, और हमें हमेशा इस इदारे की मजबूती के लिए हमें बात करनी चाहिए, और हमारे जो दुश्मन है वो मुसलसल इसको अटैक करते हैं, प्रेसिडेंट मुसल जरदारी और नवाज शरीफ, इन दोनों ने अपनी फौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। ये जब गवर्नमेंट में भी थे इन्होंने अंडरमाइन किया उसको, और ये बाहर जब नवाज शरीफ निकाला गया तो उसने सारा पूरा आर्मी चीफ और उनके ऊपर अटैक कर दिया। देखें, हमें ये बड़ा समझना चाहिए कि हमारे दुश्मन चाहेंगे कि हमारी फौज कमजोर हो जाए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर हमारी फौज ना होती ये मुल्क के 3 टुकड़े हुए होते।